मऊगंज में लुटेरे को गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। ये लुटेरे चढ़ाई के दौरान ट्रक के रफ्तार धीमे होते ही सवार होकर लोडेड सामान उतार लेते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 सितंबर को सिरमौर आ रहे हैं। वे यहां सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के लिए सतना के मैहर में चल रही एक बड़ी जुआफड़ में दबिश देकर पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा है। इनके पास से 1,35,000 रुपए, 2 कारें, 1 बाइक जब्त कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अक्टूबर को मऊगंज जिले के हनुमाना का दौरा करेंगे। वे यहां राज्य स्तरीय समारोह में आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। रीवा में हरियाणा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में एक इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस छात्र पर ठगी के रुपयों को अपने खाते मंगवा कर आगे भेजने का आरोप है। मालवा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे जीतू पटवारी ने कहा, 24 विधानसभाओं की यात्रा करने के बाद उन्हें लग रहा है कि जनता आशीर्वाद नहीं आक्रोश की मुद्रा में है। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच झड़प में एक एसआई और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दूसरी लिस्ट आने के बाद बीजेपी में बगावत का सुर आने लगे हैं। नाराज नेता बोले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा भोपाल में 27-28 सितंबर को होने जा रही है। इस कथा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। गौ माता यात्रा लेकर सतना पहुंचे कंप्यूटर बाबा बोले, सरकार वही बनेगी जो गौ माता की रक्षा करेगी। भाजपा राज्य में गायों की हो रही है दुर्दशा। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।